फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल रेनूज क्रिएशन। पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लेकर आए होली स्पेशल चंद्रकला रेसिपी। ये देखने में बहुत ही सुंदर और खाने में बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक बाउल में मैदा लेंगे। ये मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है, इसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। अब इसमें हम 4 बड़े चम्मच घी डालेंगे। ये 30 ml घी है नाप से, चम्मच के हिसाब से 4 चम्मच घी है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें मैदा में घी को अच्छी तरह से मिक्स करके अपनी मुट्ठी में बांध कर देखना है। अगर हमारी मैदा मुट्ठी में बंध रही है तो हमारा घी एकदम परफेक्ट है, वरना आप थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं। आप घी की जगह पर रिफाइंड ऑयल का यूज भी कर सकते हैं। और इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। हमें डो को ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनाना है, वरना ज़्यादा टाइट बनाना है। आप देख सकते हैं हमारा डो लग चुका है। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए एक साइड रख देंगे। जब तक हमारा डो सेट हो रहा है, तब तक हम इसके लिए स्टफिंग की तैयारी करेंगे। स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाला है और इसमें हम मावा डालेंगे। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मावा लिया है और इसे अच्छी तरह से चलाते हुए भूनेंगे। ये घर का मावा है, एकदम फ्रेश है। इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। मावा को भून कर कुछ बनाते हैं अगर चंद्रकला को, तो ये चीज़ें ज़्यादा टाइम तक चलती रहती है। मावा अच्छी तरह से भून चुका है, हम इसे ठंडा होने रख देंगे और दूसरी कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़े से मेवे को फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पर एक बड़ी चम्मच काजू की कतरन ली है, 4 पीस काजू थे, और एक बड़ी चम्मच किशमिश को काट कर लिया है, और एक बड़ी चम्मच चिरौंजी ली है। मैंने अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया। अब उसी कढ़ाई में हम 2 चम्मच घी और डालेंगे। और मैंने यहाँ पर आधी कटोरी सूजी ली है, इसे हम अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। हमें सूजी को कलर चेंज नहीं होने देना है, हल्का सा रोस्ट करना है। हमारी सूजी रोस्ट हो चुकी है, हम इसे एक साइड रख देंगे और हम अपनी चाशनी बनाएंगे। चाशनी के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल चीनी ली है, उसमें आधा बाउल पानी ऐड किया है और इसे लगातार चलाते हुए एक तार की चाशनी बनाएंगे। चाशनी में उबाल आ गया है, वैसे हम उंगली पे चिपका के देखते हैं। हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है, हम इसे एक साइड रख देंगे और अपनी स्टफिंग की तैयारी करेंगे। हमारा मावा ठंडा हो चुका है और सूजी को इसमें ऐड करेंगे। हमें पूरी सूजी एक बार में ऐड नहीं करनी है, हम थोड़ी थोड़ी सूजी इसमें मिला के देखेंगे। थोड़ी सी सूजी डाली है, उसके बाद अभी मैं इसमें 1 चम्मच सूजी और ऐड करूँगी। इसी के साथ इसमें मैंने यहाँ पर आधा बाउल कद्दूकस किया हुआ नारियल ऐड किया है, और जो मैंने रोस्ट किए थे मेवा वो डालेंगे। मेरी प्लेट छोटी पड़ गई है, इसलिए हम इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये मिलाने में परेशानी हो रही है, इसलिए हम इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैंने अपनी स्टफिंग को दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हम इसमें इसे मीठा करने के लिए मैंने यहाँ पर बूरा लिया है, ये बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मावा के लिए 200 ग्राम बूरा लिया है। आप मीठा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। मैंने यहाँ पर बूरे को अच्छी तरह से मिला लिया है और इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर आधा चम्मच सौंठ ऐड की है, जो ड्राई जिंजर पाउडर आता है वो ऐड करेंगे। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके स्टफिंग तैयार कर ली है। हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब हम अपने आटे को देखते हैं। हमारा आटा भी सेट हो चुका है, परफेक्ट है। अब इसकी लोइयाँ तोड़ लेंगे।
इसके लिए एक बड़ी सी लोई तोड़ेंगे। तो हमें चंद्रकला बनाने के लिए दो बराबर साइज की पूड़ियाँ चाहिए। तो हमने पहले एक बड़ी सी लोई तोड़ी है और इसे अच्छी तरह से, ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ, इसे इतना मोटा ही बेलना है। और इसे हम अब दो पूड़ियों के लिए, इसमें से हम किसी भी कटर की मदद से या आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो उसकी मदद से दो पूड़ियाँ निकाल लेंगे। मैंने यहाँ गिलास से दो पूड़ियाँ काटी हैं। इससे क्या होगा कि एक साइज की दो पूड़ियाँ बनेंगी तो चंद्रकला की डिज़ाइन अच्छी आएगी। दो पूड़ियाँ अच्छी तरह से मिल गई हैं। अब मैं इसके लिए एक स्लरी बनाती हूँ। मैंने एक चम्मच मैदा में पानी डाल के स्लरी बनाई है जो इसे चिपकाने के लिए काम आएगी। स्लरी बनके तैयार है, हम अपनी चंद्रकला बनाते हैं। चंद्रकला के लिए पहले एक पूड़ी पर थोड़ी सी स्टफिंग को लेके हाथ पर उसे अच्छी तरह से पेड़े के जैसा बनाएंगे। उसे बीच में रख के चारों तरफ जो हमने स्लरी बनाई थी मैदे की उसे लगाएंगे। ऊपर से दूसरी पूड़ी रखेंगे और इसे चारों तरफ से अच्छी तरह से सील कर देंगे। इसे अच्छी तरह से सील कर दिया है, इसे चारों तरफ हाथ से अच्छी तरह से दबाते प्रेस करके इसकी डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन बनाने के लिए हमें, जैसे हम गुजिया की डिजाइन बनाते हैं वही डिजाइन इस पर बनती है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये डिजाइन अच्छी तरह आराम से आ जाएगी। पहले हमें इसकी किनारी को थोड़ा सा प्रेस करना है, मोड़ना है, फिर प्रेस करना है, फिर मोड़ना है। प्रेस किया, मोड़ दिया, आप देख सकते हैं मैं कैसे बना रही हूँ। आप इसकी एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी आसानी से आ जाएगी। ये चंद्रकला देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। अगली बार होली पर आप भी इसे बनाइएगा और अपने कमेंट्स हमें बताइएगा आपको ये कैसी लगी और आपने ये कैसे बनाई। पूरी चंद्रकला अच्छी तरह से बना तैयार कर ली है। आप देख सकते हैं इसकी डिजाइन कितनी सुंदर लग रही है। ऐसी हमने सारी चंद्रकला बना के तैयार कर ली है। हम इन्हें फ्राई करेंगे। मैंने फ्राई करने के लिए ऑयल को पहले ही गर्म करने रख दिया था। यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है, हम अपनी सारी चंद्रकला को इसमें डालेंगे। एक बार में हम इसमें चार चंद्रकला डालेंगे। हमें उलटते पलटते अच्छी तरह से सेक लेंगे। हमें चंद्रकला को बार बार पलटना है जिससे हमें फफोले ना पड़े। अगर हमारा तेल ज़्यादा गर्म होगा तो हमें फफोले पड़ जाएंगे और ये ऊपर से ब्राउन हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इसलिए हमें इन्हें स्लो गैस पर ही सेकना है। इन्हें लगातार पलटते हुए स्लो गैस पर सेकेंगे। इन्हें सेकने में 10 मिनट का टाइम लग जाता है। हमारी चंद्रकला अब सेक चुकी है, इनका कलर एकदम ब्राउन हो गया है। हम इन्हें निकाल लेंगे। मैंने यहाँ इन्हें प्लेट में निकाल लिया है। ऐसे ही हम अपनी और चंद्रकला जो बची हुई है उन्हें भी सेक लेंगे। चंद्रकला को प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इन्हें चाशनी जो बनाई थी हमने उसमें डिप करेंगे। सारी चंद्रकला को चाशनी में डिप करना है। मैंने चाशनी में इन्हें डिप कर लिया है अच्छी तरह से और इन्हें प्लेट में निकाल लिया है। हमारी सारी चंद्रकला चाशनी में डिप हो गई है, भाई देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। हमारी चंद्रकला एकदम तैयार है, अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। मैंने इसे चांदी के वर्क और थोड़े से पिस्ते से डेकोरेट किया है। आप अपनी पसंद से डेकोरेट कर सकते हैं। आप इस होली पर चंद्रकला को ज़रूर बनाइएगा और ये कैसी बनी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने एक गुजिया का वीडियो भी बना रखा है जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप लिंक चेक कर सकते हैं। तो चंद्रकला बनकर एकदम तैयार हो चुकी है, ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है और ये टेस्टी भी लगती है। तो इस होली पर आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें। बाय बाय।